तो गूगल पिक्सल के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे कि गूगल पिक्सल गूगल का फ्लैगशिप फ़ोन है दोस्तों। लेकिन गूगल पिक्सल अपने पिक्सल रेंज में क्या क्या लॉन्च करता है उसके बारे में दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई थी उसके बारे में दोस्तों, और गूगल पिक्सल की खासियत क्या है, इस मोबाइल की खासियत क्या है, फेमस है दोस्तों, लोग इतना इसको लाइक करते हैं, हर एक चीज़ दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ ये बताने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे सबके यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि गूगल पिक्सल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो गूगल पिक्सल की शुरुआत फरवरी 2013 में हुई थी, जहाँ मेड फॉर गूगल का इवेंट था, उसमें इन्होंने गूगल पिक्सल लाइनअप का शुरुआत किया था। इस पिक्सल लाइनअप में आपको लैपटॉप मिलेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर स्मार्टफोन और गूगल एक्सेसरीज मिलेंगी दोस्तों। तो इसी सब का शुरुआत किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे गूगल पिक्सल मोबाइल के बारे में दोस्तों। तो इन्होंने पहला गूगल पिक्सल मोबाइल 2016 में लॉन्च किया था दोस्तों। 2016 में आने के बाद ये गूगल पिक्सल बहुत ही छा गया, और इसका छाने का रीज़न एक और भी था दोस्तों, इसका कैमरा था, और दूसरा रीज़न इसका ये था ना दोस्तों कि इसकी प्राइसिंग बहुत ही हाई रखा था, बहुत ही हाई रखा था। इन्होंने इनडायरेक्टली आईफोन से टक्कर दिया था गूगल पिक्सल फ़ोन को दोस्तों, और दे भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने प्योर एंड्रॉयड दे रहे थे, हर एक चीज़ दे रहे थे जो कि आईफोन के कंपेरेबल था। लेकिन इन्होंने जो डिस्प्ले का साइज़ रखा था और जो डिज़ाइन रखा था ना, थोड़ा सा कम था, इसके से ना आईफोन से इनका टक्कर अच्छे से हो नहीं पाया दोस्तों। तो ये इसकी गूगल की शुरुआत हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल पिक्सल में खासियत क्या है। तो गूगल पिक्सल फोन्स की खासियत है ना दोस्तों, उसका कैमरा और उसका हार्डवेयर कैमरा और सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये उसकी बहुत ही ज़्यादा खासियत है। बाकी सब मामले में ना गूगल पिक्सल बहुत ही कंजूसी करता है, जैसे बैटरी हो गया, वायरलेस चार्जर हो गया, यहाँ तक कि फुल व्यू डिस्प्ले देने में बहुत कंजूसी करता है। उन्होंने 2019 में फुल व्यू डिस्प्ले दिया था, लेकिन इन्होंने अपने कैमरे और हार्डवेयर पे इतना वर्क किया ना दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता। जहाँ कंपनियाँ ड्यूअल कैमरा लॉन्च करती हैं, वहाँ गूगल पिक्सल ने अपने सिंगल कैमरे से पूरा तहलका मचा दिया। इनका कैमरा बहुत ही खास है, जो इनका कैमरा का एल्गोरिदम है ना दोस्तों, बहुत 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 बेस्ट है, क्योंकि ना आईफोन के कंपेयरिंग में, सैमसंग के कंपेयरिंग में गूगल पिक्सल का कैमरा बहुत ही अच्छा। और इन्होंने सिंगल कैमरे में आपको हर एक चीज़ दिया था, जैसे डेप्थ इफेक्ट भी सिंगल कैमरे में दिया था, लेंस ब्लर का हर एक चीज़, बहुत सारा इन्होंने इन्वेंशन एक सिंगल कैमरे से किया था। उसके बाद आपको फ्रंट सेल्फी कैमरे में भी ना दोस्तों इन्होंने बहुत सारा इन्वेंशन किया था, जैसे कैमरा का रिकॉर्डिंग हो गया, 4K वीडियो शूट हो गया, डेप्थ सेंसिंग हो गया दोस्तों, और बहुत ही डिटेक्शन, जो गूगल पिक्सल कैमरा था ना दोस्तों, उसका डिटेक्शन हर एक चीज़ बहुत ही सुंदर था। उसके कंपेयरिंग में कोई भी कैमरा, अभी भी कोई कैमरा ऐसा नहीं है जो गूगल पिक्सल के कैमरे को टक्कर दे सके दोस्तों। तो गूगल पिक्सल की एक खासियत है। देन इनका जो हार्डवेयर रहता है कि स्नैपड्रैगन 845 या 855 वाला प्रोसेसर देते हैं, वो बहुत ही स्मूथ चलता है। आपको मैं बता नहीं सकता कितना स्मूथ चलता है, वो बहुत ही स्मूथ चलता है, कोई लैग इशू नहीं, कोई हीट इशू नहीं, क्योंकि ये प्योर एंड्रॉयड पर काम करते, तो इनका प्योर एंड्रॉयड बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये एकदम क्लीन एंड्रॉयड रहता है, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो जिसके वजह से गूगल पिक्सल फ़ोन ना मार्केट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों के लिए लगता है। इन्हीं दो चीज़ों के वजह से ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं रहता दोस्तों। अभी समझिए कोई लेयर रहा, जैसे कोई भी मोबाइल ले ले, सैमसंग का ले ले, तो सैमसंग पे वन यूआई का लेयर रहता है, वन यूआई का लेयर होने की वजह से ना सैमसंग कभी कभी लैग कर जाता है, कोई भी सैमसंग का मोबाइल रहता है ना तो लैग कर जाता है। वहीं पर गूगल पिक्सल का फ़ोन ले लीजिए, 2016 का गूगल पिक्सल 1 ले लीजिए, तो वहाँ पर ना दोस्तों इनका कोई भी लैग इशू दिखता नहीं है, और बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ चलते हैं। इनका कस्टमाइजेबल जितना भी रहता है ना यूआई में, बहुत ही अच्छे से रहता है दोस्तों। और यहाँ पे गूगल का प्रोडक्ट है गूगल पिक्सल, तो उसमें ना आपको सॉफ्टवेयर अपडेट सबसे पहले मिलता है। जितना एंड्रॉयड 9.0 जब भी लॉन्च होगा तब आपको मिल जाएगा, 10.0 जब लॉन्च होगा उसके 10 दिन बाद आपको गूगल पिक्सल में रोल आउट होने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसी का गूगल ने फ़ायदा उठाया कि अपने गूगल पिक्सल को लॉन्च किया। अब हमारे मन में सवाल आता होगा कि क्या गूगल पिक्सल फ़ोन अच्छे रहते हैं या नहीं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईफोन और सैमसंग के कंपेयरिंग करें दोस्तों, तो ये पहले के ब्रांड है, लेकिन गूगल पिक्सल 2016 से आने के बाद ना अपने कैमरे के वजह से फेमस हुआ दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैमरे और प्रोसेसर के वजह से फेमस हुआ, और इनके सॉफ्टवेयर के वजह से। तो अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, बहुत बेटर कैमरा चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि सैमसंग का और एप्पल का कैमरा बेकार है दोस्तों, लेकिन आपको एकदम बेटर बहुत ही अच्छा कैमरा चाहिए, तो आप गूगल पिक्सल ले सकते हैं दोस्तों। ये रहता है कि गूगल पिक्सल में फोन, मतलब बैटरी के बहुत
कमी रहती है, फिर से फुल व्यू डिस्प्ले देते नहीं है, डिस्प्ले का साइज़ बड़ा नहीं करते और अपना वर्क करते रहते हैं दोस्तों। तो अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए तो आप गूगल पिक्सल ले सकते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इट मीन्स आपको एकदम प्योर एंड्रॉयड चाहिए जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे और हर एक चीज़ उसमें आपको अवेलेबल होता रहे, जैसे कि आपको गूगल फोटोज़ के अवेलेबल होते रहे और आपको अनलिमिटेड स्टोरेज चाहिए। आपको गूगल पिक्सल जितने भी फ़ोन है ना दोस्तों, आपको 100 GB तक अनलिमिटेड स्टोरेज मिलते हैं जहाँ से आप अपने फ़ोटो को सेव कर सकते, एडिट कर सकते, डिलीट कर सकते, जितना भी बड़ा सा बड़ा साइज़ का फाइल रहे वो आप सेव कर सकते हो गूगल के क्लाउड स्टोरेज में। तो ये एक फ़ायदा रहता है दोस्तों। तो और बाकी सब तो आपको पता ही है कि गूगल पिक्सल का स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, डिस्प्ले का साइज़, हर एक चीज़ आप सबको पता होगा दोस्तों। तो ये कुछ छोटे छोटे जानकारी तो जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो बाय।